हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको 192X फुल्ली ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर का नया वर्जन बता रहे हैं। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से नया वर्जन है। आपने इसके पहले ब्लू कलर में वीडियो देखा था, अभी ये फिलहाल ग्रे और ऑरेंज कलर में आया है। दोस्तों, इसमें दो जो फीचर है वो नया है। दोस्तों, सबसे पहला फीचर तो आप इसके कोई भी ट्रे को दोस्तों डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो। ये देखिए आप, इसके तीनों ट्रे ऑटोमेटिकली आप बाहर निकाल के भी अंडों की कैंडलिंग, अंडों को चेंज, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। और दूसरा फीचर ये है दोस्तों कि इसके अंदर पानी डालने में जो दिक्कत जा रही थी वो दिक्कत कंपनी ने सॉल्व कर दी है। उसके लिए भी एक छोटा सा फीचर आया हुआ है। कलर चेंज हुआ है दोस्तों, बाकी फंक्शन वगैरह सब वही है। अभी फिलहाल मैं आपको इसके साथ क्या क्या आया ये भी बताऊंगा, इसे कैसे यूज़ करना ये भी बताऊंगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन भी दबा देना, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो ये स्टार्ट देखिए करते हैं। दोस्तों, ये पूरा 192 अंडों का इनक्यूबेटर है। इसका जो असेंबली है दोस्तों, ऊपर के ढक्कन को लग के आता है, दो फैन इसके अंदर ही, इसका हीटिंग कॉइल है दोस्तों, ये टेम्परेचर सेंसर, ये ह्यूमिडिटी सेंसर, और ये इसका कंट्रोल पैनल। इसके साथ दोस्तों ये नया फीचर ऐड हुआ है दोस्तों, बाहर से ही आप इस मशीन के अंदर जितना चाहो उतना पानी डाल सकते हो। पानी डालने के लिए ये दिया हुआ है, अंडों की कैंडलिंग करने के लिए कैंडलिंग टॉर्च, इनक्यूबेटर के अंदर स्प्रे करने के लिए स्प्रेयर बॉटल, चूजे निकलने के बाद पानी पिलाने के लिए डिंकर, दाना खिलाने के लिए फीडर, अंदर इमरजेंसी में पानी डालने के लिए एक बॉटल आया हुआ दोस्तों, दो तीन एक्स्ट्रा गियर आए हुए, और पावर कॉर्ड, डीसी कॉर्ड बैटरी से इनक्यूबेटर को ऑन करने के लिए, और इसके साथ इसका मैनुअल आया है दोस्तों। आप देख सकते हो इसमें तीन ट्रे है दोस्तों, एक ट्रे का कैपेसिटी 64X का है दोस्तों। आप देख सकते हो ट्रे डायरेक्टली बाहर आ जाते हैं, आप इसे पूरा भी निकाल सकते हो दोस्तों, और जब चाहे तब इसके अंदर डाल सकते हो। पूरी तरह से पैक हो जाते हैं दोस्तों। इसके अंदर अगर अंडे रखना है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं इसको पूरी तरह से बाहर निकाल लेता हूं। ये इसका नीचे का बॉटम है दोस्तों, आपको क्या करना है, ये जो वाटर के लिए मैनेजमेंट दिया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा छेद है, दो साइड में दो छेद है। आपको इस नली को अंदर से बाहर से अंदर डाल देना है दोस्तों, यहाँ छोड़ देना है। इसके साथ तीन जाली आई है दोस्तों, जाली को सबसे नीचे बॉटम में रख देना है, उसके ऊपर फर्स्ट वाली कैबिनेट रखना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये कैबिनेट दो तरफ से राउंड और एक तरफ से सिक्योर होता है, तो आपको उसी हिसाब से इसको लगाना है, तो ये अच्छी तरह से बैठ। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक जाली यहाँ रख दिया है और पहला जो ट्रे है दोस्तों इसके ऊपर फिक्स कर दिया है। ठीक है, इसकी ये टर्नर की वायर मैं अभी बाहर ले लूं। अभी ये जो दूसरा टर्नर हम रख रहे हैं दोस्तों, इसके बीच में जाली नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, ये जो अभी दो जाली एक्स्ट्रा बची है, ये दो जाली को अभी नहीं रखना है, इनका काम 18 दिन के बाद है। अभी आप देख सकते हो ये दूसरा टर्नर भी फिक्स हो गया दोस्तों, और नीचे का जो टर्नर है उसकी वायर मैं यहाँ से ले लेता हूँ बाहर, या इसके बीच में से भी लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये एक दूसरे के साथ अटैच हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो नीचे का टर्नर ये मोटर के साथ अटैच हो गया। अभी ये तीसरा टर्नर भी दोस्तों हमें ऐसा ही रखना है, इसके बीच में भी जाली नहीं रखनी है, रखने से फंस जाता है। और ये जो नीचे की जो ये देखिए दोस्तों, और ये भी हमें इसमें अटैच कर देना है। ठीक है, अभी ये जो ऊपर का असेंबली है दोस्तों, सभी टर्नर में आपको अंडे रख देना है और इस टर्नर को असेंबली के साथ अटैच कर देना है, और इस असेंबली को भी आप ऊपर, ये हो गया दोस्तों कंप्लीट। आपको अगर इसे बैटरी से चलाना है, इमरजेंसी में अगर बिजली वगैरह गायब हो जाती है, तो आप इसे बैटरी से भी ऑन कर सकते हो,
कोई भी छोटी बड़ी बैटरी से ऑन हो जाता है दोस्तों। जैसे अभी मेरे पास ये सिर्फ स्प्रे पंप का बैटरी है। सिर्फ ध्यान रखना है दोस्तों कि प्लस वाली वायर प्लस को लगाना है और माइनस वाली वायर माइनस को लगाना है। ये देखिए ये बैटरी से ऑन हो गया। अभी फिलहाल मेरे पास बिजली अभी शुरू है करके मैं बैटरी से इसे निकाल लेता हूँ। ये इसकी जो पावर कॉर्ड है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से बैटरी से ऑन होगा और इधर के साइड में ये पावर कॉर्ड लगेगी। ये डायरेक्टली आप इसे बिजली से भी चला सकते हो। मैं इसे बिजली से ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए अभी फिलहाल ये बिजली से चल रहा है दोस्तों। फीचर वही है दोस्तों, कैंडलिंग टॉर्च। ये पूरा कंपनी तरफ से सेट आता है। हर 2 घंटे के बाद इसमें अंडे रोटेट होते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो टेम्परेचर है 37.8 सेल्सियस सेट किया हुआ है। ह्यूमिडिटी 60% सेट की हुई है। अभी अंदर का टेम्परेचर फिलहाल 30 डिग्री सेल्सियस चल रहा है और ह्यूमिडिटी अभी 79 चल रही है। आप इस कंट्रोल पैनल की अपने हिसाब से सेटिंग भी कर सकते हो। सेटिंग के लिए स्पेशल वीडियो दिया हुआ है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बता दूँ, ये जो मोड वाली बटन है, इससे आप इसमें जो ऑप्शन है वो चेंज कर सकते हो। अभी जैसे कि फिलहाल कस्टम पे चल रहा है, आप शायद वीडियो में क्लियर नहीं देख रहे हो। अभी फिलहाल कस्टम पे चल रहा है। अगर मोड वाली बटन को दबा के छोड़ दूँ तो ये अभी मुर्गी पे हो गया, यानी मुर्गी पे हो गया, और दबाऊंगा तो डक पे जाएगा, कबूतर पे जाएगा। जितने एक्स आपको हर तरह के एक्स को हैच करना है वो सभी फीचर इसके अंदर होते हैं। फिलहाल मैंने अभी इसको मुर्गी पे सेट करके रख दिया है। कंट्रोल पैनल की अधिक जानकारी के लिए आप कंट्रोल पैनल का हमारा स्पेशल वीडियो देखकर इस कंट्रोल पैनल को ऑपरेट करना सीख सकते हो। फिलहाल तो इसके अंदर अंडे रखना है और पानी रखना है और बटन ऑन कर देना है, सब कुछ काम मशीन करेगा। अब इसमें जो नया फीचर है दोस्तों पानी डालने का, वो मैं आपको बता दूँ। ये जो नीचे का ब्रैकेट है दोस्तों, पहले उसमें हर 2 दिन बाद पानी रखना पड़ता था, लेकिन अभी दोस्तों कंपनी ने ये साथ में दिया है। इस कारण कोई भी आप छोटा बड़ा बॉटल ले लो, वो बॉटल डायरेक्टली इसमें लग जाता है। बॉटल में पानी भरना है और आपको इसके अंदर लगा देना है। बॉटल को अच्छी तरह से फिक्स कर देना है बस। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आपको बॉटल को सिर्फ थोड़ा सा ऊंचा कीजिए अपने हाथों से, बॉटल में का पानी मशीन के अंदर चला जाएगा। और अगर आप इसे नीचे रख देंगे तो पानी जाना बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीधा सीधा फंडा है। हर 2-3 दिन बाद बॉटल को थोड़ा सा ऊपर कीजिए और नीचे रख दीजिए, पानी जितना चाहिए उतना अंदर ले लीजिए और बंद कर दीजिए। अगर आप इसकी लेवल जो है वो मैनेज करते हो तो इसके अंदर पानी ऑटोमेटिक जाते रहेगा, बंद होते रहेगा। ये दोस्तों इसमें एक नया फीचर ऐड हुआ है। जैसे ही दोस्तों मशीन में अंडे रख के 18 दिन पूरे हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जो टर्नर है इसमें, इस सॉकेट में से टर्नर की पिन को निकाल लेना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये सॉकेट को निकाल लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सभी ट्रे में ये जो जाली आई है दोस्तों, वो जाली को एक साइड में, एक ब्रैकेट है मोटर के लिए, तो आपको ये मोटर में ऐसा लगा देना है दोस्तों, ठीक है। और इसके ऊपर आपको अंडे बिछा देना है सभी ट्रे में, और इनक्यूबेटर को फिर से ऑन कर देना है, फिर से लगा देना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 18 दिन के बाद में अंडों को रोटेट नहीं करना है, जाली पे अंडों को रख देना है। या फिर आप ये जो टर्नर है, ये टर्नर के यहाँ पे इधर के साइड में 2 स्क्रू है दोस्तों, और वैसे स्क्रू दोस्तों इधर के साइड में भी है। इन स्क्रू को अगर खोल लेते हो तो ये टर्नर ये ढक्कन से अलग हो जाता है। आप डायरेक्टली नीचे भी जाली रख सकते हो और ये ढक्कन लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप इस तरह से भी इसे ऑपरेट कर सकते हो। दोनों में से जो भी आपको सही लगे उस तरह से आप अंडे रखकर 18 दिन के बाद हैचिंग कर सकते हो। इस मशीन का कैपेसिटी लगभग 200 अंडों का है दोस्तों। आप इसे इजीली परचेस करके अंडों में से चूजे अपने घर पर ही निकाल सकते हो। अगर आपको मशीन परचेस करना है तो आप हमें सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हो। हम ऑल इंडिया होम डिलीवरी करवाते हैं। अगर आपको ब्लू कलर में पुराना मॉडल चाहिए तो पुराना मॉडल भी मिलेगा, और नया मॉडल चाहिए तो नया मॉडल भी मिलेगा। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने जरूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।